See, I really don't understand what is this nepotism. See, it's all about hard work. Beauty will fade, right? Like Amitabh sir, yeah, and Rekha ma'am, they are legends, right? Embarrassing वो था जब सलमान सर ने मुझे डांटा था. He is an amazing friend and such friends are very, very rare to find. Radio City पर मैं हूँ मिताली और आज मेरे साथ यार एक ऐसी बंदी है जो she's hot. She's ravishing, she's spicy, she's beautiful. I mean, Nikki, कितने adjectives दो यार आपको define करने के लिए? मतलब जितने आपके पास है सारे दे दो. सारे adjectives Nikki define करती है. But Nikki, मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, जब Nikki की बोली है ना, वो होती है बंदूक की गोली. And I'm glad to have Nikki Tamboli on my show. So Nikki, thank you so much. पहले आप बताओ यार, आप कैसी हो? आप कोविड से रिकवर हो गई हो तो आप कैसे हो? So now I'm good. I'm feeling much better. COVID is really ridiculous. It's bad. मतलब मैं तो यही चाहूंगी definitely कि किसी को COVID ना हो, क्योंकि it's really bad, you know. मतलब सांस लेने को तकलीफ होती है. You feel hopeless. तो it's very bad. Now I have recovered. तो I'll start working out. धीरे धीरे चालू भी करूंगी. It's been मतलब 6-7 महीने हो गए वर्कआउट ही नहीं किया. निकी, बट आपको देख के आप जो इतना इंस्टाग्राम, आई थिंक अगर मुझे पूछो तो आई थिंक यू आर द मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऐसा लग रहा है, क्योंकि लुक एट योर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम गेम ऑन पॉइंट, आपके पिक्चर्स ऑन पॉइंट, आपके रील्स ऑन पॉइंट. आई मीन कौन कहेगा यार ये लड़की ने वर्कआउट नहीं किया. निकी यार ये तो नहीं नहीं मतलब मैं अगर वर्कआउट करती हूँ तो मैं बहुत वर्कआउट हैवी करती थी. आई यूज टू वर्कआउट अ लॉट, हैवी करती थी मैं, काफी फंक्शनल भी करती थी. तो अभी काफी बिग बॉस में जब से गई हूँ तब से तो किया ही नहीं है, और बिग बॉस से बाहर आने के बाद तो टाइम ही मिला नहीं है. कोविड मतलब हो गया था तो बिल्कुल भी वर्कआउट का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन अभी चालू करूंगी. सो वर्क वाइज निकी, आई थिंक आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? मतलब योर फैंस आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि निकी अभी क्या कर रही है. ओके, सो आई हैव शॉट फॉर टोनी कक्कर सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग. एक्चुअली वो रिलीज होने वाला था बट लॉकडाउन हुआ, एंड दैट्स अ वेरी पेपी सॉन्ग. तो वो हम लोग बाद में रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि पेपी सॉन्ग हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन में रिलीज हो. तो इसीलिए हम लोग वो डिले कर रहे हैं. मैंने एक और सॉन्ग के लिए ये किया है, वीडियो सॉन्ग के लिए शूट किया है इन चंडीगढ़, बट आई कांट रिवील इट राइट नाउ. इट्स अमेजिंग सॉन्ग एंड इट्स अमेजिंग. मतलब आई हैव नेवर एवर डन अ सैड सॉन्ग, यू नो, एंड इट्स अ सैड सॉन्ग, लवली, इट्स अमेजिंग. मतलब मुझे गाना बाय हार्ट हो गया है. तो वो भी शायद से जल्द ही रिलीज हो जाएगा, उसको एक महीना लगेगा. मीटिंग्स काफी हो रही. एक्चुअली क्या है, काम इतना हो आ रहा है ना कि कौन सा लू कौन सा ना लू, टच वुड एग्जैक्टली, कौन सा लू कौन सा ना लू समझ में नहीं आ रहा. एंड देर आर मेनी एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप, यू नो, लाइक ऐसा भी है कि फटाफट वीडियो एल्बम शूट करके रिलीज हो जाओ. नहीं, आई एम डूइंग गुड वर्क, क्वालिटी वर्क, और टाइम लगेगा, और मतलब काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज भी अभी आने बाकी है, तो मुझे रिवील नहीं करना. देखिए, आपके फैंस के लिए एक ट्रीट है, मतलब अगला साल आपके फैंस, ये साल अगला साल ट्रीट है. ओके, सो निकी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपका बिग बॉस का जर्नी, आई थिंक यू आर द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस. ओके, मे बी वो आप सलमान सर सेड, एक वीकेंड पे सलमान सर ने कह दिया था कि यार निकी तुम्हारे पीछे पीछे लोग इतने क्यों बातें करते हैं यार, क्या डरते तुमसे, नहीं कर सकता. सो आई थिंक मुझे कभी भी नहीं लगा कि आप किसी के साथ मिलके खेल रही थी. मुझे हमेशा से ऐसा लगा, नॉट बिकॉज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, पर मुझे हमेशा ऐसा लगा कि आप एक इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं. या आपकी जो दोस्ती रुबीना के साथ हुई वो जेन्युइन दोस्ती थी, जो दिखी है इनका जेन्युइन हो गई. यस, पहले नहीं हुए क्योंकि क्या हुआ, बातचीत करने का मौका नहीं मिला, हमने कभी टाइम नहीं दिया एक दूसरे को. लेकिन जब मैं दूसरी बार गई घर के अंदर,
तो मेरे मतलब मैं किसी को नहीं जानती थी एक्सेप्ट रुबीना, अभिनव, सब लोग सीनियर्स थे, जैस्मिन थी और जैस्मिन के लिए अली आ गया था, तो मतलब आई वॉज लेफ्ट, मैं किससे बातें करूं। तो मैंने फिर सोचा कि इनसे बात करके देखते हैं, फिर हमारी बॉन्डिंग बन गई। यू नो आई थिंक आप क्यों मुझे पसंद हो, क्योंकि आपने अपने बलबूती बलबूते पे ये करियर आपका जो स्टैंड किया है, ना कोई गॉडफादर था, आपने मेहनत करके आज आप यहाँ पे पहुंची, इवन योर बिग बॉस जर्नी, राइट? मतलब कुछ पास्ट में इतना कुछ ये नहीं था कि लोग आपको बहुत पहले से बहुत जानते थे, एंड यू कार्व्ड इट, सो आई लव यू फॉर दैट। बट थैंक निकी, यू। अभी आप ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हाँ नेपोटिज्म ये सब चीजें हाँ होती रहती है, सो हाँ निकी की पर्सनालिटी ये सब चीजों को हैंडल कैसे करती है? नेपोटिज्म को, सी आई रियली अच्छी बात। डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नेपोटिज्म, क्योंकि सी इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। आप एक फिल्म करोगे, दो फिल्म करोगे, 10 फिल्म करोगे, 10 चीजों की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे, लेकिन ब्यूटी विल फेड, राइट? टैलेंट विल बी देयर फॉर यू, पीपल शुड आई कॉल अग्री। यू एन लेजेंड, लाइक अमिताभ सर या एंड रेखा मैम, दे आर लेजेंड्स, राइट? यू नो, ट्रू। तो यू शुड बी रिमेम्बर एज अ लेजेंड, नॉट जस्ट कि यस। ये मतलब इनकी बेटी है या उनकी बेटी है। ऑफ कोर्स दे आल्सो वर्क हार्ड, बट फाइनली दे इट्स अ किस्मत एंड सब, तो सब हार्डवर्क। मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट किस्मत हर किसी की तो नहीं होती ना। ओके निकी, ऐसी 3 चीजें बताओ जो लोगों को आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता, या बिल्कुल आपके नहीं बारे में जो मिथ पता है जो नहीं पता लोगों को आपके बारे में, वो आज आप रिपीट करना चाहो। है। ओके, सो लोगों को ये नहीं पता है कि आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड मैं मतलब आई हैव वेरी वेरी फ्यू फ्रेंड्स, लाइक मतलब 5 से भी कम जो मेरे बहुत दिल के करीब है, लाइक मे बी 2, 3, 3, 3, मे बी 3 जो एकदम दिल के करीब है। आई डोंट सोशलाइज मच ओके एंड आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, लाइक आई लव टू मोटिवेट पीपल, आई एम वेरी फोकस्ड, आई एम वेरी हम्बल इन पर्सन, आई एम वेरी हम्बल, आई लव टू वेलकम पीपल, सर्व देम, यू नो, कुक फॉर देम, आई एम वेरी होमली पर्सन। ओके सो निकी, लास्ट सेगमेंट, फैन क्वेश्चंस खूप सारे आहेत, मी ओके फक्त 5-6 घेईन कारण आपल्याकडे वेळ नाही आहे आणि निकीला पुढे पण खूप काही, तिचा डे ब्लॉक आहे. ओके सो देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम सार्थक, 7897, इफ यू वुड नॉट बी एन एक्ट्रेस व्हाट वुड यू बी? आई वुड हैव बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज, बिकॉज मुझे लॉ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट वो हुआ नहीं। आई लाइक टू टेक द राइट डिसीजंस, आई लाइक टू बी एज अ लीडर, तो इसीलिए एज अ लीडर एंड टेकिंग अ राइट डिसीजन, आई थिंक सो सुप्रीम कोर्ट जज वुड बी अ ग्रेट, और क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है, तो यस। ओके नाइस। न्यू 527 इज आस्किंग, निकी आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था और आपने कैसे संवारा अपने आप को? फनी एंड एम्बैरेसिंग एक्चुअली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिग बॉस का आई वुड लव टू शेयर। एम्बेरसिंग वो था जब सलमान सर ने मुझे डांटा था, और आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड, आई वॉज रियली मतलब मुझ में कुछ कमी है क्या या ऐसे कुछ, बट उसको मैंने अच्छे से बदला, आई टुक पॉजिटिव वे एंड आई चेंज इट। Which is nice. आपके और जान के फ्रेंडशिप के बारे में भी बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, जिसको आप डू यू वांट टू आंसर ऑन दैट? He share an amazing bond. He is an amazing friend, and such friends are very, very rare to find. And he's a beautiful soul. I mean, his mother is so sweet, and yeah, I mean, they are amazing person. एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है बट मैं एक बता देती हूँ, आर्यन दहियाल ने पूछा है, निकी हाँ खतरों के खिलाड़ी में आने वाली है क्या? यार, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। सी, आई एम नॉट एक्चुअली फिजिकली फिट टू परफॉर्म एंड ऑल, तो अभी तक मुझे पता नहीं, विल सी। ओके, एक और क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन कर्मा एंड निकी की आइडियल डेट क्या हो? सो आई बिलीव इन कर्मा, डेफिनेटली यस, आई डू बिलीव इन कर्मा। और आइडियल डेट मुझे ऐसा चाहिए, लड़का ही शुड बी काइंड, ही शुड बी मैच्योर्ड, ही शुड बी हाइटेड, ही शुड बी हॉट। इट्स नॉट कंपल्सरी ही शुड हैव 6 packs, बट ही शुड बी हॉट, गुड लुकिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हु कैन क्रैक जोक्स एंड मेक मी लाफ 24/7। ओके,
टोनी कक्कर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? He's a cute guy, very cute, very loving, and ज़्यादा बात नहीं करता सेट पे, but funny है, टाइम पास है, मतलब हाँ, मतलब हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, but he's nice to work with, very chilled out, yeah. थैंक यू सो मच निकी. आई थिंक मुझे पर्सनली एक अलग निकी से बात करने का मौका मिला आज. आज मैं ये प्राउडली बोल सकती हूँ कि निकी की सादगी में ही उसकी खूबसूरती है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय.